लेकिन मैंने आप पे एतमाद करके जुनैद को जॉब दी थी। आपने और जुनैद दोनों ने मेरे एतमाद को ठेस पहुंचाई। सर प्लीज टू बी वेरी ऑनेस्ट, इस सारे मामले में मेरा कोई कसूर नहीं है सर। लेकिन जिसका कसूर है वो भी तो आपका रिश्तेदार है। सर मैंने जुनैद से बात की थी, समझाया था उससे कि मैडम के साथ कि उसका रिश्ता तय हो गया है, उसकी शादी हो रही है मेरे कजन के साथ, और मेरे यकीन कीजिए मैं झूठ नहीं बोलता, कुछ दिनों में शादी का कार्ड भी मिल जाएगा आपको। जुनैद तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सॉरी फरियाद, मुझे बिना पूछे यहाँ नहीं आना चाहिए था, मगर बात ही कुछ इस तरह की थी कि मैं खुद को रोक नहीं पाया। क्यों फरियाद? I'm really sorry। किस चीज की माफी? मैडम सना मुझे हमेशा इस्तेमाल करती रही, वो चाहती थी कि मैं तुम्हें दानियाल से दूर कर दूं, सिर्फ और सिर्फ दानियाल के करीब आने के लिए, और तुम्हें दानियाल से दूर करने के लिए मुझे इस्तेमाल करती रही। मैं नहीं जानता था ये सब कुछ, बट आई एम रियली सॉरी। मैंने मम्मी के बताए हुए रिश्ते के लिए हाँ कर दिए, और फरियाद मैं जानता हूँ तुम बहुत खुश हो और मैं सिर्फ तुम्हारी खुशी ही चाहता हूँ। सच कहा तुमने जुनैद, अब मुझे किसी और की मोहब्बत की जरूरत नहीं है। आई एम रियली सॉरी, हो सके तो मुझे माफ कर दो। जुनैद वो मैं फरियाद से जानता हूँ, मैं माफी मांगने आया था। फरियाल आपसे बहुत प्यार करती है, बस एक रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज कभी फरियाल की मोहब्बत पे शक मत कीजिएगा, बहुत प्यार करती है आपसे। बहुत बड़ी गलती हुई, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैंने मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई। शामा का कल स्कूल है, मुझे उसका यूनिफॉर्म तैयार करना है। देखो मैं जानता हूँ तुम यहाँ सिर्फ शामा के लिए रुकी हुई हो, लेकिन क्या तुम सब कुछ माफ करके फिर से अपने दिल में मेरी मोहब्बत को जगह नहीं दे सकती? आपको क्या लगता है, आप मुझ पर शक करते रहेंगे और मैं अपने दिल में आपकी मोहब्बत रखूंगी? क्या तुम्हारे दिल में मेरी मोहब्बत बिल्कुल नहीं है? मुझे अब सिर्फ शामा की मोहब्बत की जरूरत है। मुझे सिर्फ तुम्हारी माफी का इंतजार है फरियाद। आपको क्या लगता है मैं मशीन हूं, इंसान नहीं हूं कि जब चाहा आप मुझसे अपनी गलती की माफी मांगेंगे और मैं आपको माफ कर दूंगी?
मैं जानता हूं कि मैं भी तो इंसान हूं, मुझसे गलती हो सकती है, लेकिन अजीम लोग वो होते हैं जो कि दूसरे को माफ करने का हौसला रखते हैं। मैं अजीम नहीं। तुम हो अजीम। तभी तो तुम मेरे बेटे के पास हो। वो मेरा बेटा है। वो हमारा बेटा है। अम्मी जान, क्या बात है, क्यों चिल्ला रहे? मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। किस सिलसिले में? मैं शादी करना चाहता हूँ। क्या वाकई? जी, आप लोग जहां चाहें मेरी शादी कर सकते हैं। भाई, क्या वाकई आप सच बोल रहे हैं ना? अब तो मैं फौरन जाकर एनी के घर वालों से उसका हाथ मांगूंगी। अम्मी, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। खैर मुबारक। देखा, जिस बात का तुम्हें इतना इंतजार था आज भाई ने बोल दी। I'm so happy. बहुत खूबसूरत लग रही हो। बस वो शामक ने कहा तो चले। हाँ, लेकिन एक मिनट, तुम्हारे लिए एक चीज है मेरे पास। हाँ, देखो। लेकिन ये तो आपकी बीवी की है ना? तुम मेरी बीवी ही तो हो। सानिया तो बता।